आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। चीन के बाद अब बिहार में भी इसके लक्षण देखने को मिल रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से दो लोग चीन से आए, उनको जांच के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। कोरोना वायरस के संदिग्ध पहुंचे बेगूसराय सदर अस्पताल जांच में भेजे गए पटना। चाइना, दुबई, सिंगापुर, कतर के बाद अब बिहार के बेगूसराय में भी कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज बेगूसराय सदर अस्पताल पहुंचे हैं। इस बात का खुलासा बेगूसराय के प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर हरे राम कुमार ने दिया है। इस बाबत उन्होंने बताया कि अब तक बेगूसराय में कुल 9 संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं, जिनमें एक इम्तियाज युवक को बेहतर इलाज और जांच के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। इस अन्य में मोहम्मद जावेद, मोहम्मद सिराजुद्दीन नरानी, सिंतू कुमार, रिंकेश कुमार, शेख निशा, हुसैन अफन, सिकंदर यादव और काजल पंडित और शामिल हैं। ये क्रमश बोहान, शियान, जियांगसी, दुबई, सिंगापुर, कतर और सऊदी अरब से आए हैं। इम्तियाज बरौनी थाना क्षेत्र के निंगा पश्चिम टोला निवासी मोहम्मद अनवर का 2.5 वर्षीय पुत्र बताया जा रहा है। डॉक्टर हरे राम कुमार ने बताया कि इस वायरस से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए एक अलग से वार्ड की व्यवस्था की गई है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हमारे यहाँ जांच की वो समुचित व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से वैसे संदिग्ध मरीजों को बेहतर जांच के लिए पटना रेफर किया जा रहा है। तो नहीं, ये मेरे फैमिली है। हाँ, आई होगी आप 15 दिन और आज आप ढूंढ रहे हैं। 18th को मैं आई थी, आज 7th 6th है। मैं अब से फैमिली के साथ ही रह रही थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस, चलिए यहाँ चेकअप वगैरह करा चुके हैं आप? नहीं, कोई चेकअप नहीं हुआ है, कोई चेकअप नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, मुझे लेके आए लोग, मुझे अंदर लेके गए, ठीक है, वहाँ पे टेस्ट वाले वहाँ पे लेके गए, उन्होंने कहा कि पर्ची कटवा के आने के लिए। फिर हम नीचे गए, वहाँ पे वेट कर रहे थे हम नीचे, फिर ये पर्ची कटवाया। हाँ, अब उन लोगों ने बोला आइसोलेशन वार्ड में बिठाने के लिए। पर आइसोलेशन वार्ड ऐसा होता है, अगर आइसोलेशन वार्ड है मतलब क्या, एक बंदा एक इसमें रहेगा तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई है, वहाँ पे मैं कैसे जाऊँ? अगर मुझे नहीं है प्रॉब्लम, अगर सपोज उस बंदे को है तो मुझे आएगा कि नहीं वो प्रॉब्लम? तो फिर अलग अलग होना चाहिए ना आइसोलेशन वार्ड, तो मैं नहीं जा रही। जी, आप यहाँ आए हैं किनके साथ? मैं तो अपनी मम्मी के साथ आया हूँ। अंदर है? हाँ, ये कहाँ से आए हैं आप? अभी मैं तो चाइना, मतलब वुहान से आया हूँ, पर मैं ऑलरेडी 14 दिन का क्वारंटीन कंप्लीट कर लिया था दिल्ली में। 2 बार नेगेटिव हो चुका था। 2 बार नेगेटिव होने के बावजूद भी उन्होंने 14 दिन घर पे आइसोलेशन में रहने को कहा। फिर कल कॉल आता है और या आ जाओ सैंपल के लिए। सैंपल के लिए आ जाओ, घर पे रहा अभी मैं, सैंपल के लिए फिर से आ जाओ, और सैंपल के लिए आया तो फिर आइसोलेशन में रखने के, ऐसे थोड़ी होता है। आपका नाम? जावेद, जावेद खान। घर आपका? घर देवना है, उषा। मास्क पहन करके निकले और जैसे भी हो बाहर से जैसे भी आते हैं तो बार बार कहीं भी पर भी जाएं, हाथ वगैरह वॉश करें हमेशा, और जैसे बाहर के वस्तुओं को टच करके फिर अपना हाथ मुंह आंख को टच मत करें, ना कि उससे, ताकि वायरस अंदर आपके शरीर में जा सकता है। और हमेशा जो भी खांसे छींके तो मुंह पर रुमाल रख के छींकें या उस आदमी से एक मीटर की दूरी बना करके रखें। इस वायरस की कब 2019 में चाइना में हुआ।